अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बंगाल की स्वीट डिश, स्वीट कर्ड, जिसका नाम है मिष्टी दही। ये बहुत ही ट्रेडिशनल बंगाल की स्वीट है, तो चलिए हम बना लेते हैं इसे। इसे मैंने लिया है 3 कप मिल्क और 3/4 कप मैंने लिया है शुगर और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है दही, जिसे अच्छे से आप फेंट लीजिए। और थोड़ा सा इलायची पाउडर आधा चम्मच, आधा टी स्पून मैंने लिया है। और 1 बड़ा चम्मच हम पानी का यूज़ करेंगे। मैं बताती हूँ कब यूज़ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये समर सीज़न के लिए बहुत ही अच्छी डिश है, ठंडी ठंडी डिश है। तो आप जो है, समर आने वाला है, उसके लिए हम जो है ये बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने जो है ये पैन पे दूध रख देना है गर्म करने के लिए, देखिए। और इसे इतना पका लेना है जिस हमें इसे रिड्यूस करना है, दूध को जितना भी क्वांटिटी का आप दूध ले रहे हो उसको आपको स्लो फ्लेम पे जो है आपको इसे पका लेना है कंटिन्यूसली। आपको स्पून से इसे मिक्स करते हुए और पका लेना है अच्छी तरीके से। जो साइड में मलाई जम जाती है वो भी आपको थोड़े थोड़े कोशिश करनी है पूरी तरीके से निकाल लेने की, और वो भी इसमें मिक्स होगा और उसका भी एक जो फ्लेवर आएगा ना, एक खोया टाइप का आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए आपको इसे कुक करते रहना है हाफ़ होने तक के। मिल्क का क्वांटिटी आपको हाफ़ करना है, लो फ्लेम पे ही करना है। और तो इसे बनाते हुए आपको मतलब ध्यान देना है और मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है, हो जाता है। देखिए, ये मैंने रख लिया है दूसरे पैन पे 2/4 कप शक्कर, जिसे हम कैरमलाइज करेंगे। इसे हमें कैरमल करना है, तो ये पकता रहेगा। और साइड में जो है मैं मिल्क को भी रिड्यूस करने के लिए लो फ्लेम पर रखा है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1/4 कप शक्कर, टोटल 3/4 कप शक्कर मैंने यूज़ किया है। जो ज़्यादा शक्कर जो है वो मैं कैरमल के लिए मैंने रखा है, और जो बाकी की बचती है वो मैंने इसमें डाल के इसे डिज़ोल्व करके कुक कर लेना है, पूरी तरीके से मिक्स कर लेना है। और देखिए, अभी हम देखते हैं कि कैसा पक रहा है, कैरमल हो रहा है। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ये जो है डिज़ोल्व होने लगा है और ये कुक होता रहेगा, ये लिक्विडी फॉर्म पे आ रहा है। अब हमें अभी इसे मिक्स कंटिन्यूसली करते रहना है। तो ये जो है एकदम से बर्न हो जाता है, तो ज़रा आप ध्यान देना। और इतना हो जाए और उसके बाद ही इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। मिक्स करते हुए जो जितनी भी बाकी की जो शक्कर है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, पूरी तरीके से इसे लिक्विड कर देना है हमें, और स्लो फ्लेम कर देना है। स्लो में ऐसे धीरे धीरे पकता रहेगा तो जलेगा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरी तरीके से हमारा कैरमल बन चुका है। थोड़ा और करना है क्योंकि कहीं कहीं शक्कर जो है वो अभी भी अकी है। तो देखिए मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ और इसे कैरमल हो रहा है। देखिए, ये हो चुका है इतना। अब जो है मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि ये बंद फ्लेम में भी थोड़ा थोड़ा पकता ही रहेगा। अब देखते हैं हम दूध की तरफ। ये भी हमारा हाफ़ हो चुका है, यहाँ पे भी मैंने गैस जो है बंद कर दिया। इसे मैं अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए रहने दूँगी और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक के इसे मैं रखूँगी। और देखिए, अभी जो कैरमल के लिए हम जो पका रहे थे, ये गैस बंद होने के बाद भी जो है ये बर्न हो रहा है, तो ये पकता ही जाएगा। तो हम इसमें अब ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा पानी से ऐड करेंगे तो ये कूल डाउन होगा और ये अच्छे से कैरमल हो गया है। अब हमने मिल्क में जो है थोड़ा सा ग्रीन कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर मैंने डाला है, और गैस इसका बंद है, दूध का गैस मैंने बंद ही रखा है। और ये भी इलायची पाउडर डाल के थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें ये जो कैरमल जो हमने बनाया है वो इसमें डालना है। आपको गर्म दूध में नहीं डालना है, वरना दूध फट जाएगा। तो देखिए, ये कैरमल भी ठंडा हो चुका है और मिल्क भी ठंडा हो चुका है। अब कैरमल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारा कैरमल दूध में अच्छे से मिक्स हो के एकदम सही हो जाए, फिर हम इसमें जो ऐड करेंगे दही को। अच्छे से आपको पहले से फेंट लेना है, एकदम लिक्विडी फॉर्म होना चाहिए दही का।
फिर हमें दही को इसमें मिक्स करना है। ये पूरी तरीके से कैरेमल मिक्स हो गया है, अब जो है मैं इसमें दही ऐड करूँगी। देखिए दही को हम इसमें डाल के एक 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाला है और ये अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप पहले दही को पूरी तरीके से फेंट लीजिए और उसके बाद आप मिक्स कर दीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसे ही डालोगे तो थोड़े थोड़े जो है दही के पार्ट्स आपको दिखने लगेंगे, इसलिए आप पहले से दही को फेंट लीजिए और फिर आप डालिए और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और देखिए ये तैयार हो गई मेरी मिश्री दही बंगाली स्टाइल की। इसे थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रेस्ट करने देंगे, सेट होने देंगे पैन के नीचे, उसके बाद हम जो है इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और ये बहुत टेस्टी और यमी है। तो प्लीज़ बताना कैसी बनी है। डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर मिलूँगी आप लोगों को मेरी न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।